तो ये बड़े वाले चॉपर से चॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। शिमला मिर्च कट रही है अभी, फिर उसके बाद प्याज कटेंगे। बड़ी नहीं है मिर्च, कट रहा है, मैं काट दूं? नहीं, अब प्याज डाल दूं? मिर्च उसमें डाल दो ना, फिर स्पेस मिल जाएगा आपको। शिमला मिर्च बस यही करता है ना इसलिए। बाकी वो निकालो, सेजवान सॉस। सेजवान जो मैंने बनाई है? नहीं नहीं वो तो बहुत तीखी हो जाएगी, तो ये हम इसको अलग करेंगे। वैसे डालना तो अपने एक साथ है, प्याज को हम थोड़ा सा और कम करेंगे। क्रिस्पी कॉर्न इन्हीं को बनाना आता है, मुझे नहीं बनाना आता है, मैंने बनाया नहीं कभी। कभी नहीं बनाया? नो। क्यों? ला मैं चॉप करती हूँ, पकड़ो। ये पायल जी अब हमारी आ गई हैं, जो प्याज को बिल्कुल धीरे धीरे चॉप कर रहे हैं। और ये है हमारे स्वीट कॉर्न। पायल की आंखों से निकल रहे हैं आंसू। और पायल, आपने बताया नहीं कि आपने कैफे बंद कर दिया है सब्सक्राइबर्स को। बंद नहीं कराया यार, बंद मत बोलो उसको भी, अभी फिलहाल के लिए क्लोज रखा है, फिर धीरे धीरे देखेंगे कहीं। तो ये हम लोगों ने कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई में रख लिया है रिफाइंड ऑयल। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जिस हिसाब से आपको टेस्ट अच्छा लगता हो। बटर में अच्छा लगता हो बटर में बनाओ, घी में अच्छा लगता हो देसी घी में, और सॉरी रिफाइंड में अच्छा लगता हो रिफाइंड में बनाओ। तो हम लोग रिफाइंड में बनाने जा रहे हैं, आगे का प्रोसेस दिखाओ। अभी तेल तो गरम होने दो, मैं बैठ जाऊँ उसमें। वो तो गया गरम, अभी नहीं हुआ, तो गया गरम। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज चॉप, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे तेल। ये ब्राउन होने तक पका रहे हैं ये, और इसी के साथ हम अभी ऐड करेंगे शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च भी इसमें प्रॉपर पकेगी। बाकी चीजों में तो शिमला मिर्च का टेस्ट आना चाहिए, पर ये प्रॉपर वो करना है, हमें पकाना है इसको। तो जल्दी पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक, नमक कितना डाला आपने? आधा चम्मच नमक मैंने डाला है, ऑलमोस्ट एक चम्मच, ये आपके टेस्ट के हिसाब से है। वैसे तो डेढ़ चम्मच मैंने नमक डाला, और डेढ़ नमक इसमें काफी रहेगा। इस पर हम थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, बिल्कुल जरा सी, मतलब चुटकी भर, और आधा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, थोड़ी सी लेंगे हम देगी मिर्च, अंग अंग फड़काएंगे। एरिक के पापा का कॉल आ गया था ऑफिस का, तो अब उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम लोग। हमारे क्रिस्पी कॉर्न बीच में रह गए हैं। हेलो हाय, हेलो हाय, किसको बोलो? तो ये पूरा मसाला अब हमारा रेडी हो गया, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न्स। हटना पाए पीछे, कॉर्न को मसल हो ना, वो हो जाएगा ना भी गर्म गर्म। पॉपकॉर्न बनते हैं? नहीं बेटो, ये पॉपकॉर्न नहीं बनते इससे। अभी आना को पापा बहुत अच्छी सी आइटम खिलाएंगे। को पापा के हाथ की स्वीट यमी यमी क्रिस्पी कॉर्न मिलेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सेजवान टेस्ट के लिए, बस। देखने में तो काफी यमी लग रहा है, यमी ही बनेगा, पता चलेगा। वैसे मैं तो खा चुकी हूँ एक बार पहले भी, उसमें हमने पनीर भी डाला था। भैया नहीं, क्रिस्पी कॉर्न में पनीर नहीं डालता, वो अलग डिश होगी यार, तुम तो मिक्स कर देती हो सारा कुछ। अब ये कॉर्न बिल्कुल क्रिस्पी होंगे इसमें, तब आएगा मजा, है ना। कितना टाइम में बन जाते हैं वैसे? 5-7 मिनट लगेंगे बस। यारे को नीनू आ रहा है, अरे जल्दी जल्दी दे दो पापा। अभी इसको टाइम लगेगा, 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। ख्याल से ही तुम करा मैंने ऐसे, 4 मिनट लगेंगे, तो भी 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। इसको भी जरूर बीच में कुकिंग के बीच में घुसना होता है, देखिए देखो गिरा भी देखो तुम, है ना। आप लगा दो, मैं क्लीन कर लूँगी, आप बनाओ बस, ज़्यादा मत लगाओ। हाई बोला ये क्या है? ये ऑयल है। आपने हेलो हाई बोली? आपने हेलो हाई बोला किसी को?
इधर इधर देखे, तभी आपको देखेंगे सब लोग। मैं बोलूं पानी दे दो। हाय बोलते पानी सब। हाँ। ये ऐसे बोलते हाय हाय, ऐसे बोलते कैसे आप सब? ये लीजिए खाना। सो गाइस ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं हमारे क्रिस्पी कॉर्न, बस 2-3 मिनट और पकाएंगे। जितने ज़्यादा पकेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्ब। ये तैयार हो गए हैं ना पूरे? हाँ तैयार हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा क्रिस्पीनेस दे देगा इसको। और तो ये सब करने के लिए रेडी हो गए? हाँ बस 1-2 मिनट में प्रॉपर रेडी हो जाएगा। चलिए फिर प्लेट निकालते हैं, देखते हैं आपके आपका क्रिस्पी कॉर्न। बिल्कुल पायल जी, तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब हम इसको जा रहे करने सर्व, फिर हम आपको खा के बताएंगे कैसा बना है। ये हमारी प्लेट लग गई, अब इसको हम थोड़ा सा सजाएंगे बस। सब टेस्ट करके देखें? बिल्कुल ट्राई करिए। चलिए जी खा के बताते हैं। ये पायल करने जा रही है टेस्ट मियाँ जी के हाथ का बना क्रिस्पी कॉर्न। ये देखिए, जो कमियों बता देना, ऐसा कुछ नहीं है, बेकार सही बना है, बहुत मस्त बना है, बहुत अच्छा बना है। तो चलिए पायल ने तो पास कर दिया, मम्मी को टेस्ट करवाते हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी आप लोगों को ऐसी ऐसी रेसिपीज देखने को मिला करेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।